नमस्कार, समाचार कैरी न्यूज में आपका स्वागत है। सभी प्रकार की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आज जहां लिंग अनुपात में बेहतर बदलाव नजर आ रहा है, वहीं ग्रामीण परिवेश में पुरुष प्रधान समाज की सोच रखने वालों के सामने महिलाएं अधिकार के लिए खड़ी होने में सक्षम है तथा शिक्षा उनके इन अधिकारों को दिलवाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ऐसा कहना था उपायुक्त सोनल गोयल का, जो बहादुरगढ़ के वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय के नए सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। आवश्यकता है और ये बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारी प्रयत्न नहीं चल रहे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रयास, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेके जाना है, तो जन आंदोलन तभी होगा जब इसमें सभी समाज के जो संस्थाएं हैं, जो हर समाज का वर्ग जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में काफी अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलता आया है, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने आपको एक आंकड़ों की बात बताई, वो काफी पॉजिटिव है। लेकिन अब इसके आगे हमें जाने की जरूरत है, सिर्फ ये फिगर्स ही ना रहे। एजुकेशन एक इतना इम्पोर्टेंट मीडियम है किसी भी इंसान को एम्पावर करने का। अगर हम उसे शिक्षित कर देते हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा से बेहतर कोई उपहार कोई पेरेंट अपने अपने बच्चों को नहीं दे सकता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर जरूर करना चाहूंगी। मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इवन दो वो कुछ काफी टाइम पहले दिल्ली सेटल हो गए थे, लेकिन हमारे यूपी रिलेटिव्स हरियाणा में पानीपत रोहतक इस साइड पे सेटल्ड हैं। तो हम जब भी, जैसे हम, मैं और एक मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, वो भी सीए हैं, तो हमारे घर में कोई भी फैमिली फंक्शन होते थे, हमारा जनरली जाना कम होता था। तो कई बार हमारे रिलेटिव जो है वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि तू अपनी बेटियों को क्या बनाना है, तुमको क्यों इतना पढ़ा लिखा रहे हो, इनकी ग्रेजुएशन करके इनकी शादी कर दीजिए। तो मेरे फादर का बहुत एक इमीडिएट रिस्पॉन्स उनका हमेशा रहा कि मेरी बेटियों को जो करना है मैं उनको जीवन में पूरी उनका सपोर्ट करूंगा, और जो उन्होंने एजुकेशन में जो उन्होंने करना है उनके लिए उनका पूरा सपोर्ट उन्होंने हमें आज तक ही दिया है, जिसके फलस्वरूप आज मैं यहाँ पे हूँ। और मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज में ऐसे और एग्जाम्पल्स आप लोगों के बीच में अगर और सेटअप हो, तो हमारा समाज, हरियाणा का जो समाज है, ये कहीं पे भी पीछे नहीं रहेगा। और एक्चुअली में जो हम उसकी बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हम लोग अचीव कर पाएंगे। और इस तरीके के प्रयास जैसे यहाँ वैश्य कॉलेज जो कर रहा है, ये बहुत सराहनीय है। साथ ही साथ क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं, तो एक और बात मैं रखना चाहूंगी कि जैसे आप देखें कि सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का इतना इंटरवेंशन हो चुका है, कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी थोड़ा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव रोल भी प्ले कर रही है आजकल परिवारों में और लोगों, बच्चों की मानसिकता इफेक्ट करने में। जो एक्सपोजर है अगर वो हैंडल ना कर पाए, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा रहा है। जैसे आपने अभी स्कूल में गुड़गांव में एक केस हुआ, उसमें देखा है, ऐसे और भी केसेस चाइल्ड अब्यूज के सामने आते रहे हैं पहले भी। तो आप जो लोग अब टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो आपका करिकुलम है उसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज पे भी आप लोग ध्यान दें अपने टीचिंग के अंदर, क्योंकि एक समाज में नैतिकता और समाज में जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये ज्यादा जरूरी हो गया है शहरी इलाकों में, गाँव में तो अभी भी बच्चों को पता होगा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, उनके मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप रैंडम सर्वे अगर अर्बन एरियाज में कराएंगे, उनको ये पता भी नहीं होगा शायद। जनरल नॉलेज की जो चीजें हैं उनको अगर वो स्कूल में बताई जाएंगी तो उन्हें पता होगा, अदरवाइज क्योंकि उनको उस चीज से वास्ता नहीं पड़ता है, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है या उनका क्या रोल है। तो आई थिंक कि हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टाइप से मॉरल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज जो है वो बच्चों के अंदर लेके आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, आपकी ट्रेनिंग काफी अच्छी हो रही है, और आप सब लोग हमारे समाज की एक अच्छी नींव रखने में हम सबका सहयोग करेंगे।
और ज्यादा ना बोलते हुए दोबारा से मैं कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनकी उपलब्धियों पे, और आशा करती हूँ कि आपका ये जो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं ये और इम्प्रूव हो और समाज में आपका पॉजिटिव रोल इस तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।